मुलाकात हो रही है, छोड़ के तो चली गई थी आप लोगों को, लेकिन 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 हम आ चुके हैं वापस और बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस के साथ। तो स्वागत नहीं करोगे अपने जीनू राइड्स का? पिछली बातें मैं रिपीट नहीं करना चाहती, पिछला जो हुआ उसे भूल जाए, इस पुरानी रात के साथ नई सुबह का इंतजार करें, फिर से व्लॉग स्टार्ट करें। तो चलो अब आपको और बोर नहीं करते, अब कंटिन्यू मेरे व्लॉग आएंगे। तो बाकी जो पीछे हुआ जो भी व्हाटएवर, बहुत से लोग खुश भी थे जिनका मुझे नाम भी नहीं पता, जिनका मुझे पहले बोर्ड का अल्फाबेट भी नहीं पता, वो लोग तो बहुत खुश थे मेरा, उनसे ना कोई मतलब ना कोई लेना ना कोई देना, फिर भी खुश है भाई कि मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी। मैंने छोड़ी नहीं थी, मैंने कहा था कि मैं बस कुछ देर के लिए सोशल मीडिया से दूर रहना चाहती हूँ, छुट्टी चाहिए मुझे भाई, छुट्टी चाहिए। और कुछ ऐसे भी थे कि जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उनके लिए तो मुझे वापस आना ही था, वैसे भी मुझे वापस आना ही था, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैंने अभी तो कहा पिछली बात, उनको रिपीट नहीं करना है। तो मैं आपको बता दूं कि आज कमरे के हाल पे मत जाना, क्योंकि आपको पता है कि मैंने घर जाना है तो उसकी पैकिंग चल रही है, लेकिन इसी दौरान मैं हो गई थी बीमार। आप ये स्नैप चेक करो, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी और मैं एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल में, तो सारा काम पेंडिंग रहा था, उसकी वजह से भी मुझे व्लॉगिंग में थोड़ा लेट हो गई। और मेरी कजिन हंस रही थी, इस हालत में भी मैं स्नैप बना रही हूँ भाई गॉड, लेकिन मेरे को थोड़ा होश आ गया था तो मैंने ऐसे ना स्नैप बना दी थी, तो मैंने स्टोरी भी डाली थी लेकिन मैंने डिलीट कर दी थी। काफ़ी लोग मुझे फिर पूछ रहे थे कि क्या हुआ, सब ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। तो अभी फ़िलहाल पैकिंग चल रही है, लेकिन अब मैं कल करूँगी क्योंकि अभी मुझे हैकअप नहीं है। तो अभी बताया आपको, मेरी स्किन ना बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि 4-5 दिन से मैंने अपना स्किन केयर रूटीन नहीं किया था। तो जैसे कि मैं हर सुबह शाम अपना स्किन रूटीन करती थी, तो हॉस्पिटल में तो ये नामुमकिन था। फिर भी मैं 2 दिन से जब हॉस्पिटल से आई तो कंटिन्यू मैंने अपना वापस से क्योर स्किन किया। उसके लिए मुझे वापस से DM आए थे कि आप रात में नाइट रूटीन जो आपकी है स्किन केयर की, तो वो क्या है? तो वापस से मैं उस पर वीडियो बनाना चाहती हूँ आज आप लोगों के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि बाहर रात हो चुकी है, तो आ जाता है मेरी स्किन रूटीन का टाइम, रात को सुबह शाम मेरा डेली यही है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार वही प्रोडक्ट दिखाना चाहती हूँ जो मैं नाइट को यूज़ करती हूँ। तो आप लोगों के भी DM थे उसके रिलेटेड वापस से। जैसे कि मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, क्योर स्किन बेसिकली एक ऐप है, डॉक्टर बेस्ड ऐप है, आप उसको ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और मेरे डिस्क्रिप्शन में ही उसकी लिंक है, अगर आप वहाँ से डाउनलोड करते हो तो आपको वहाँ 100% ऑफ मिलता है। तो देर किस बात की, जल्दी से जाके डाउनलोड करो। तो अभी ना उसमें से मेरे 3 प्रोडक्ट्स में से 1 प्रोडक्ट कम है, क्योंकि अयाज मंसूर भी ये यूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरी जो वो सनस्क्रीन है ना येलो कलर का जो था, यहाँ पर मैं फोटो लगा दूंगी, वो उन्होंने नीचे रखी है, वो यूज कर लेते हैं, तो फिर मेरे को नीचे जाना पड़ता है उसको यूज करने। लेकिन अभी तो मैं बीमार हूं तो मैं इतना नीचे ऊपर नहीं कर सकती हूं, तो मैं 2 दिन से एक ही रूम में बैठी हुई हूं। तो मैं दिखा दूं आपको, ये क्योर स्किन का फेस वॉश है, ठीक है, आपको पहले इससे वॉश करना होता है फेस। बाकी मेरा वो सनस्क्रीन तो नीचे रह गया है, ये देखो, बाकी आपको ये 2 भी मिलती है यहाँ पे, बॉक्स स्कैन करके, जो आपको इसके साथ एक बॉक्स मिलता है उस स्कैन करके आपको पता लग जाता है कौन सा प्रोडक्ट कब यूज़ करना है और कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है। तो जल्दी से जाओ, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो डाउनलोड करो, 100% ऑफ मिलेगा। तो मैं जा रही हूँ अपनी स्किन रूटीन करने, बाकी का अगर व्लॉग मेरे से बन पाए आगे का तो बनाऊंगी, वरना फिर मॉर्निंग में आगे का व्लॉग मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। आज भाग गया मेरे लिए खाना लाके, आज मुझे खाना ऊपर ही मिलता है, आपको पता है, यहाँ मुझे माँ की दाल, ये जेल है तो जेल में खा लिया है, पक्का नहीं है। माँ की दाल मुझे अच्छी लगती है, तो यहाँ पे मुझे मॉल में माँ की दाल का पैकेट दिखा था तो मैं लेकर आई थी। तो रोटी है, पर मैं रोटी की चम्मच लाना था आज, और ये फुल बढ़िया है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आज है नेक्स्ट डे, मैंने आपको कहा था कि अगर मौका मिले तो व्लॉग स्टार्ट करूंगी, तो नेक्स्ट डे करूंगी। तो आज है पैकिंग वाला दिन, पर मैंने सोचा था कि आया आज मेरी हेल्प करेंगे पैकिंग में,
हम दोनों साथ में पैकिंग करेंगे और वीडियो बनाएंगे, लेकिन उनको आज लास्ट दिन अपने ऑफिस जाना था तो वो जा चुके हैं और कल हमें निकलना है, तो इसलिए आज मुझे हैकत हो या ना हो आज तो पैकिंग करनी है। वैसे अम्मी हेल्प करने आ रहे हैं तो आज खाना वाना खा रहे थे, अभी वो आएंगे ऊपर, तब तक मैं थोड़ा सामान बाहर निकाल देती हूँ और जो बैग है वो लेकर आती हूँ। तो आज ना आप लोगों के साथ हम मिलकर पैकिंग करेंगे। हमने सोचा ना कि हम एक ही बैग लेंगे और उस बैग के अंदर ये बैग लेंगे, क्योंकि अयाज ने तो जल्दी वापस आ जाना है, 3-4 दिन में उसने वापस आ जाना है, तो कुल 3 दिन वो बैठेंगे वहाँ पे, तो मैं तो वहाँ पे 2 महीने के लिए हूँ, मैं 2 महीने के लिए जा रही हूँ। तो कल मुझे मामी जी पूछ रहे थे, वो आए थे मेरी खैरियत पूछ रहे, तो पूछ रहे थे कि कितने दिन जाना है, मैंने कहा 2 महीने, मैंने तो दिन का पूछा था, उन्होंने महीने बोल दिया। तो इसमें अयाज और मेरे कपड़े पैक होंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरा वहाँ सामान पड़ा हुआ है घर में, बहुत सारे कपड़े मेरे वहाँ पे पड़े हुए हैं लगाने के लिए, तो मैं सिर्फ उतने लूँगी कि जहाँ मुझे बाहर घूमने जाना होगा, तो बाहर घूमने जाना होगा तो वही कपड़े लूँगी। और ईद की दो ड्रेसें, मैंने सांस बहुत फूलती है, अभी मैं मरीज हूँ, ईद की मैंने 2 ड्रेसें ले ली हैं, 2 क्या मेरे पास 3, बिल्कुल 3-4 जो है मेरे पास बिल्कुल पहनी हुई नहीं है, लेकिन 2 मैंने फिर भी ले ली थी, तो वो भी मैं पैक करूंगी। मैंने तो सोचा था इजिली पैक कर लूंगी, पर ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है और मेरे को बहुत ज्यादा वीकनेस है तो मुझसे नहीं हो पा रहा। अम्मी ने कहा था कि मैं आ जाऊंगी तो करेंगे, अब मुझे लगता है मुझे उन्हीं का वेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे से नहीं हो पाएगा। अभी मेरे को सांस रुक रही है, मैं जा रही हूँ रेस्ट करने, फिर मिलती हूँ आपको। यहाँ पे मुझे मेहंदी लगने का टाइम हो गया है क्योंकि मैं पहली बार घर जा रही हूँ तो मेहंदी लगानी पड़ती है। बाद में निकालेगा? हाँ हाथ नहीं निकालेगी, लेटूंगी आराम से, ठीक है। वड़ा पाव खा के चुपचाप सो जाने का? नहीं, वड़ा पाव तो नहीं खाऊंगी मैं। खालू मुझे बोल रहे हैं कि बाहर नहीं निकलना ट्रेन से, फोन भी चोरी हो रहा है। ये मैंने अभी पूरे मेहंदी लगानी है ऊपर नीचे सारे हाथ को। अब यहाँ मैं पुरानी दुल्हन होगी, घर में तो नई दुल्हन हूँ, तो नई दुल्हन बन के तो जाना पड़ेगा, मगर कम एस करूँ दो धुआ दिया जाए तो कम नाटंकी करता है। उठ जा, देर हो गई, उठो उठो उठो, वो तो टाइम सारा हार्ड, उठो उठो। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 3rd डे और आज हम निकलने वाले हैं, और रात को मैं आपको पैकिंग दिखाना भूल गई, अम्मी अबू सारे आए थे, फिर सारे मिलकर पैकिंग करे, तो फिर मुझे, मैं मेहंदी लगा रही थी इसकी वजह से ना, तो फिर नहीं दिखा पाई, ब्लॉग भी अधूरा रह गया, तो अब मैं दिखाती हूँ आपको मेहंदी। ये देखो, मैंने उसी टाइम 2 दी थी, मतलब उसी टाइम मैंने निकाल दी थी, तो अभी दिख नहीं रहा है कलर, पर मुझे सामने दिख रहा है, फ़ोन में अच्छे से नहीं दिख रहा, बहुत अच्छा कलर आया हुआ है फिर भी उसी टाइम धोकर भी। तो अयाज का नाम लिखाना भूल गई, तो उस पर इसको बड़ी परेशानी हुई कि मैं नाम नहीं लिखाया, फिर भी कितना कलर आया, देख इसको, मतलब आपका नाम लिखा के नहीं आते कलर, इतना सारा 12 कमरे में पड़ा हुआ है, और हमें जल्दी उठना था, 8:30 बजे हैं, तो अम्मी ना और नीलू जी आलू का पराठा मेरे लिए तैयार कर रहे हैं और सैंडविच तैयार कर रहे हैं ट्रेन के लिए, तो जाते हैं नीचे, वो सारे कुछ रेडी कर रहे हैं खाने पीने का सामान। तो अभी का व्लॉग ना मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, बाकी आप हमारी पैकिंग देख लो, क्योंकि मुझे नेक्स्ट व्लॉग बनाना है आगे जाके, और ये वाला मुझे अपलोड करना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन में नेटवर्क नहीं होगा, तो मेरे को बहुत इशू दिक्कत परेशानियाँ आने वाली है, वाईफाई कहीं पर भी मुझे ट्रेन में नहीं मिलेगा, तो इसलिए मुझे ये ब्लॉग यहाँ पे एंड करके अपलोड करके जाना है, तो आज शाम को अपलोड कर दूंगी, तो फिर आगे की जर्नी का आपको बाद में बताऊंगी। और आई एम सो एक्साइटेड, ये बोलने का मुझे टाइम ही नहीं मिला कि आई एम सो एक्साइटेड कि मैं 3 महीने के बाद घर जा रही हूँ यार, 3 महीने के बाद भूख भी रस छुंगा सुनवाई। चलो लड़के उठ जा, अल्लाह हाफिज़।